दे रहे हैं बड़े, देना नहीं पड़ेगा, कस्टमर आएगा गाड़ी लेके जाएगा, गाड़ी लेके 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है भाई। तो थोड़ा बहुत धुला मिट्टी होगा, लेकिन गाड़ी का इंटीरियर में देखने समझ में आएगा गाड़ी का। अब आओ सिर्फ चाबी लो और गाड़ी लेकर के चले जाओ। ये गाड़ी देख लो टोटल फुल ऑटोमेटिक है, ठीक है, यहाँ पे सारा पावर बटन दिया हुआ है। अपन गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंजन भाई इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है, आप आवाज सुन सकते हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जब कोई खर्चा नहीं है गाड़ी, कोई खर्चा नहीं, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। गाड़ी में अभी आपको लेके कुछ नहीं करना है, तेल भरना है और चलाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हम जानना चाहेंगे कि गाड़ी का प्राइस क्या है। लास्ट 75 में भाई, ये वाली गाड़ी की एक एक बड़ी लंबाई चौड़ाई काफी सही होती है। ये आपका वीडियो का थ्रू से जो आएंगे तो आके आपका जब नाम बोलेंगे वहाँ पे भी देखेंगे ऑन द टेबल, यदि कोई गुंजाइश होता है वहाँ पे भी। पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, बस गाड़ी का चाबी लो और गाड़ी स्टार्ट करो, लेके चले जाओ। करेंगे इंजन का कैसा है, अंदर से काफी अच्छा, यहाँ स्मार्ट टीवी भी लगी हुई है। आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा इंजन स्टार्ट हो गया, इतना स्मूथ इंजन है, एकदम फ्रेश इंजन है। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं खर्चा करना है, बस पेट्रोल डलाना है, पेट्रोल डला करके बस गाड़ी चलाएं। आपको गाड़ी लेना है, हा? आप आइए, आके गाड़ी चलाइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, दरकार पर एक मैकेनिक भी लाइए, पूरा गाड़ी दिखा लीजिए, पूरा मन को शांति हो जाए। हाँ, आप गाड़ी आपको अच्छा लगे तभी आप पेमेंट कीजिए और गाड़ी दीजिए। This is Andy Vlogger, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और हम लोग लेकर के आ चुके हैं, एक नया खास वीडियो है आप लोगों के लिए और बड़ी सस्ती चीजें आप लोगों को दिखाने वाले और बहुत कम प्राइस में। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं एक्रोपोलिस मॉल के पास में, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, इग्निशन मोटर उसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और बड़ी सस्ती में मिल जाएंगी आप लोगों को। आप लोग बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पर, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, काफी कम प्राइस में है, इग्निशन मोटर है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर भी दे देंगे और एग्जैक्ट एड्रेस आप लोगों को डाल देंगे, आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग भाई से बात करेंगे कि कौन सी गाड़ी का क्या प्राइस है, कौन से साल का है, फाइनेंस अवेलेबल है इनके पास या नहीं है, इंश्योरेंस क्या है, टैक्स क्या है, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे और हर गाड़ी को डिटेल में दिखाएंगे, हर चीज आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ i20 लगा हुआ है, वहाँ i20 लगा हुआ है, कलर्स भी है इनके पास काफी सारा, ठीक है। और यहाँ पे यौन लगा हुआ है, तो अभी हम लोग गाड़ी देखेंगे और इनसे बात करेंगे, गाड़ी की प्राइस चेक करेंगे क्या है नहीं है, कितने में गाड़ी पड़ेगी, फाइनेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, गाड़ी के पेपर्स कैसे हैं, ठीक ठाक है या नहीं है, कौन से साल की गाड़ी है, कौन कौन सी गाड़ी है, सारी डिटेल्स आप लोगों को अभी इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अभी हम लोग खुद से चेक करते हैं, देखते हैं गाड़ी कैसी है अंदर से, जैसे ये मेरे सामने आपको दिख रहा है। अभी तो फिलहाल इसके डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं, फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ ये जो सेकंड हैंड गाड़ी है यहाँ पे, सेकंड हैंड गाड़ियों का जो शोरूम है, अंदर से डिटेल में चेक करेंगे कि कैसा गाड़ी है, देखने में कैसा लग रहा नहीं है, ठीक है। और चाबी यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, ऑन करते हैं। अच्छा, ये उस गाड़ी की चाबी है, ये की चाबी है। तो भाई खुल गया, ऑटोमेटिक है, सेंसर वाला सिस्टम है, ठीक है। बकायदा गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, बट को साफ सुथरा करेंगे तो काफ़ी एकदम फ्रेश दिख सकता है आप लोगों को। लेकिन बाकी गाड़ी ठीक है, काफी गंदी है लेकिन चलो ठीक है। वाह भाई क्या ही लग रहा है यार, अंदर से तो एकदम फ्रेश कंडीशन है गाड़ी का, काफी शानदार लग रहा है यार। और बैक साइड का दिखाएंगे सर, तो गाइस गाड़ी तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है मुझे और काफ़ी फ्रेश है, साफ सुथरी लग रही है गाड़ी। गाड़ी में एक सिंगल अंदर की साइड से भैया कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम बढ़िया गाड़ी है, हर चीज़ एकदम सेट है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी ले करके खर्च करना पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, गाड़ी एकदम फ्रेश है यहाँ पर देख सकते हो। और काफ़ी अच्छी लाइट वगैरह भी डेकोरेट करके रखा है भाइयों ने। वैसे गाड़ी ये वाली मेरे को बड़ी पसंद आ रही है i20, इसका प्राइस क्या है अभी भाई आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल तो हमने गाड़ी देख ली है अंदर से, बैक साइड से भी देख लो गाड़ी कैसी है नहीं है। ये गाड़ी मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है? अभी फिलहाल इसकी गाड़ी के पेपर्स मंगवाएंगे हम लोग, पेपर्स देखेंगे कि क्या है और कौन से साल की गाड़ी है, एकदम मिंट कंडीशन है गाड़ी का। अब फिलहाल हम लोग चलेंगे और इंजन चेक करेंगे कि इंजन कैसा है इसका। आ जाओ
आपका कंट्रोलिंग है यहाँ पे, लुकिंग ग्लास कंट्रोलिंग है, एवरीथिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक है और हर चीज़ वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, सारे चीज़ काम कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे आप आ सकते हो, देख सकते हो क्या है नहीं। और ये इंजन स्टार्ट पावर बटन है जो कि टॉप मॉडल में अक्सर आती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट पावर बटन देखने को मिल जा रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे है, सारी चीज़ें आप लोगों आपको स्टेयरिंग में ही अवेलेबल मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं और साउंड सुनते हैं कि कैसा है गाड़ी का इंजन का साउंड कैसा है, ठीक है। काफ़ी फ्रेश साउंड मुझे लग रहा है भाई, क्योंकि आप भी सुन सकते हो आवाज़ काफ़ी सही है। और बाकी कंट्रोलिंग बहुत सही लग रहा है मुझे गाड़ी का, यहाँ पे पूरा स्मार्ट है, कोई भी चीज़ें अलग नहीं है, मतलब काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है यार। यहाँ देख सकते हो आप, लाइट डेकोरेट किया होगा, काफ़ी सारी लाइट यहाँ पे मौजूद ही पड़ी है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा डेकोरेशन देखने को मिल जाएगा। एक मिनट सर, हमें आप अपना ज़रूर सजेशन बताएं, कमेंट करें कि अंदर से गाड़ी कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और भाई आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, गाड़ी का प्राइस क्या पड़ रहा है? गाड़ी का प्राइस मोटा मोटी कस्टमर का आस्किंग प्राइस था 480। अगर आपका बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, अपन आप लेके आते हैं तो 450 में। अरे माशाल्लाह, 450 में गाड़ी चल रही है। कौन सा साल की गाड़ी है ये? 17 का गाड़ी है, 2017 का टॉप मॉडल एस्टा। टॉप मॉडल एस्टा पुश बटन, ठीक। और गाड़ी में एसेसरीज कम से कम 40 से 50 हज़ार का लगाया है। एसेसरीज तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारा लगा हुआ है सर। और बता दीजिए इसका पेपर वगैरह कैसा है? सब पेपर वाले और पेपर वाले। आपको सेम गाड़ी है वो कौन सी भाई? i20 एस्टा है, 15 का, 2015 का 25 टैक्स पेट्रोल वो भी है। भाई ये सेम मॉडल है ना? सब कुछ वही है, इसमें जो उसमें है वो 17 का है, ये 15 का है, 15 का 25 टैक्स है, एस्टा पुश बटन पेट्रोल। तो इसमें इसका पेपर वगैरह कैसा है? इसका भी पेपर सब वैलिड मिलेगा, यहाँ पे सारा गाड़ी फर्स्ट ओनर मिलेगा, सारा गाड़ी फर्स्ट ओनर, डबल चाबी, सब पेपर वैलिड, डबल चाबी के साथ। 2015 मॉडल। इसका प्राइस क्या रखते हैं? इसका प्राइस 370,000 एकदम फाइनल प्राइस। और इसमें भी कितना डेकोरेशन वगैरह क्यों है क्या? इसमें जो है वही सब कुछ वो भी सेम है, सेम टू सेम है। ये बहुत सही है इसमें, लेकिन वो एलईडी टीवी नहीं लगा हुआ है। एलईडी टीवी नहीं है। अच्छा, इसमें और वो एलईडी टीवी और लाइटिंग वाइटिंग जो है सब उसमें लगाया हुआ है। सब उसमें लगा। 370,000 रुपये। 370,000 रुपये एकदम फाइनल है। सारा इसकी प्राइस है 390। 370 फाइनल। 370 एकदम फाइनल प्राइस है। और ये गाड़ी 2015 तक सारा पेपर है, सब पेपर अपडेट, 25 तक सारा पेपर अपडेट। और पैसे देने की जरूरत तो पड़ेगी या फाइनेंस करा दीजिए? फाइनेंस करवा दो। मिंट कंडीशन में है ये वाला भी, बस कलर चेंज है, वो 2017 का था, ये 2015 का है। ये 370 और उसका प्राइस कितना बताया? उसका 450 बताया कि आप लोगों को एक रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है भाई, टोटल फाइनेंस करवा देंगे। आप आओ, सिर्फ चाबी लो और गाड़ी लेकर के चले जाओ, बस इतना ही करना है। ये गाड़ी की देख लो, टोटल फुल ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे सारा पावर बटन दिया हुआ है, यहाँ पर हर चीज़ सेट की हुई है। और ये गाड़ी यहाँ पर आपको बता दी है, पुश स्टार्ट बटन है, ठीक है। पुश स्टार्ट बटन टॉप मॉडल में ही सिर्फ आता है। गाड़ी का इंजन भाई इतना स्मूथ है, आप आवाज़ सुन सकते हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जबकि आप देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें लगी हुई है। यहाँ पे फुल कंडीशन इंटीरियर से बहुत अच्छा बना है भाई, अंदर बहुत खूबसूरत गाड़ी है, ठीक है। बाहर रोड पे गाड़ी लगी रहती है जिसकी वजह से धूल मिट्टी पड़ जाते हैं, लेकिन साफ सुथरा कर देने के बाद ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। आप इंजन की वॉइस सुन सकते हो एक बार, रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, टोटल फाइनेंस है, ठीक है। और गाड़ी का फुल पेपर अपडेटेड है 2025 तक, आपको कुछ नहीं कराना है, सिर्फ गाड़ी की चाबी लो और गाड़ी चलाओ और कुछ मत करो, ठीक है। और ऐश करो भाई, अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर के घूमो, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आओगे भाई से बात करोगे, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, सारा पेपर, और हर गाड़ी की डबल चाबी आपको मिलेगी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है यहाँ पर सब, ठीक है। नाम ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और भी बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है। तो हम बाकी गाड़ी भी देखेंगे कि बाकी गाड़ियों का प्राइस क्या है, कितने में पड़ रही है, ठीक है। ये 2 i20 तो हम अभी आपको दिखा चुके हैं, बाकी और देखते हैं। Okay.
कांच है लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी दिखने में लग रहा है भाई। हमारे पास अवेलेबल है बताने के लिए। गाड़ी ना बड़ी सही लग रही है देखने में, इसके टायर वगैरह भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। मतलब इसमें खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम गाड़ी खरीदे आपको। अभी कोई खर्चा नहीं है गाड़ी, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। चलिए, कौन से साल की ये गाड़ी है? 2009 की गाड़ी है। 2009 की गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी जी, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। गाड़ी में अभी आपको लेके कुछ नहीं करना है, तेल भरना है और चलाना है। तेल भरना है और बस चलाना, चलाना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम जानना चाहेंगे कि गाड़ी का प्राइस क्या रखा है। इसका प्राइस रखा हुआ है 90,000 रुपया, लेकिन आपके लिए एक तो फाइनल प्राइस बोलेंगे या साल का शुरू, हमारे वीडियो के थ्रू जो लोग आएंगे उसके लिए ये यूजुअली प्राइस रहेगा, ठीक है। साल का, साल का शुरुआत है तो इसके लिए इसको हम देंगे लास्ट 75 में। 75,000 में भाई, 75,000 में ना आजकल बाइक नहीं मिल रही है यार, मुश्किल ये हो रहा भाई, चार चक्का दे रहे हैं। 75,000 में आपको ना यूजुअली आपको बाइक भी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आपको चार चक्का मिल रहा है और वो भी काफी बढ़िया कंडीशन में मिल रहा है भाई। एकदम मिंट लग रहा है मुझे तो, बहुत प्यारा लग रहा है। कह रहा भी काफी इनका मतलब ओरिजिनल सब कुछ है ना भाई गाड़ी का, ए से लेके जेड तक हर चीज इस गाड़ी का ओरिजिनल है। 2009 की गाड़ी है भाई, लेकिन अभी भी आपको डबल की मिल जाएगी। और गाड़ी चला के देखना, बहुत ही मिंट है, एकदम इंजन फ्रेश इंजन है। और सही है, बस थोड़ा धूल मिट्टी लगा हुआ है भाई, रोड पे रहेगा तो जाहिर सी बात है धूल मिट्टी तो लगेगी। इसकी भी डबल की मिल जाएगी, डबल की मिलेगी, डबल की। फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी 2014 अक्टूबर का गाड़ी है। 2014 अक्टूबर जी, टोयोटा ऑल्टिस, ऑल वेरिएंट है, पेट्रोल है। हाँ, 24 अक्टूबर तक का पेपर आपको अपडेट मिलेगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। गाड़ी में आपको लेके अभी कुछ नहीं करना है, मतलब गाड़ी लेकर के हम घर जाएंगे और इसमें 1,000-2,000 रुपये का भी खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कुछ भी खर्चा नहीं, कुछ खर्चा नहीं। अरे वाह, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी तेल सिर्फ तेल भरना और चलाना है, तेल भरना और चलाना और कुछ नहीं करना जी, ठीक है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बारे में बताएं कि गाड़ी का प्राइस क्या है। एक गाड़ी का प्राइस रखा हुए हैं, एक दाम बोलेंगे, एक ही दाम, 4,20,000 रुपये। 4,20,000, ये हम लोग के लिए ऑफर है ना, जो हमारे वीडियो के थ्रू आएगा, या सभी के लिए ऑफर है ये? आपका वीडियो का थ्रू से जो आएंगे तो आके आपका जब नाम बोलेंगे वहाँ पे भी देखेंगे ऑन द टेबल, यदि कोई गुंजाइश होता है वहाँ पे भी तो और भी नेगोशिएशन करने के चांसेस हैं। अभी 4,20,000 रुपये हमारे वीडियो के थ्रू जो लोग आएंगे उसके लिए है। और इसमें भी फाइनेंस अवेलेबल है भाई? फाइनेंस अवेलेबल, पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, बस गाड़ी का चाबी लो और गाड़ी स्टार्ट करो, लेके चले जाओ अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, गाड़ी ले जा करके एंजॉय करो आप। इस पे वो थोड़ा धुलाई वुलाई भी सब कुछ करके, पॉलिश करके, एकदम सर्विस पॉलिश सब कुछ कर, अंदर से काफ़ी अच्छा। यहाँ स्मार्ट टीवी भी लगी हुई है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप इंजन देख सकते हो कितना फ्रेश है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा कि इंजन में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है या एक्स्ट्रा नहीं किया गया, जो जैसा इंजन था वैसा ही है, एकदम फ्रेश इंजन है। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं खर्चा करना है, बस पेट्रोल डलाना है, पेट्रोल डला करके बस गाड़ी चलाएं। खर्चा वर्चा बाकी आप जो भी होगा वो पड़ा आप देख लोगे ना, मेरा सामान है, हम बोलेंगे जी मेरा सामान अच्छा है। हाँ। कोई भी बोलता है जी जी, यदि आपको गाड़ी लेना है। हाँ। आप आइए, आके गाड़ी चलाइए। हाँ। टेस्ट ड्राइव कीजिए। हाँ। दरकार पर एक मैकेनिक भी लाइए। हाँ। पूरा गाड़ी दिखा लीजिए, पूरा मन को शांति हो जाए। हाँ, आप गाड़ी आपको अच्छा लगे तभी आप पेमेंट कीजिए और गाड़ी दीजिए।